नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एमयूजेड न्यूज और मैं हूं श्रृंखला प्रियदर्शिनी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुण्यतिथि राजकीय सम्मान के साथ मनाई गई। राज्यपाल लालजी टंडन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव के साथ शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा सहित गणमान्य लोगों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया। पटना हाईकोर्ट स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 6 दिसंबर 2018 को पटना में अपने आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बाबा साहेब का परिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहेब की तस्वीर पर माल्यार्पण किए और श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज के समय में हम सभी देशवासियों को उनके बनाए संविधान पर चलने की जरूरत है। आज भी देश के सभी पिछड़े दलितों को जो आरक्षण मिलनी चाहिए उसका आधा भी नहीं मिल पा रहा है। आज जरूरत है कि शेड्यूल कास्ट को न्यायिक प्रक्रिया में भी मिलनी चाहिए, तभी हमारा समाज का विकास संभव है। आज देश में शिक्षा समान शिक्षा की जरूरत है जो नहीं है। ऐसा कानून बने कि चाहे वह मंत्री का बच्चा हो या राष्ट्रपति का बेटा या एक मजदूर का बेटा, सभी को एक समान शिक्षा की जरूरत है। वो ऐलान करेंगे तब हम समझेंगे किस समय क्या ऐलान करेंगे। उनकी पॉलिटिक्स है सस्पेंस में रखना, सस्पेंस में रख रहे हैं। जब वो ऐलान करेंगे तब समझेंगे, और यदि ऐलान वो कर देंगे और महागठबंधन में आना चाहेंगे तो हम उनका आने का स्वागत करेंगे। जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि जो चुनाव का नतीजा आया है वो लोकसभा के पहले रिहर्सल है। अगर सत्ता का दुरुपयोग करके कुछ करना चाह लेंगे, अब वही ऐसे इसी के लिए तो जुआर के लिए लाए हैं पीके को, तो हम समझते हैं कि इस आधार पर वो बोलते होंगे कि हम जुआर करके ले लेंगे। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी के छात्र और चुनाव अलग है, आम जन का चुनाव अलग है। वो किसी भी गलत फहमी न पालें, किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार जी को और NDA को बिहार सरकार 2019 में या 2020 में नहीं बनने वाली है सरकार, इसलिए वो लोग उन्हें गलतफहमी नहीं पाने। अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है, बीजेपी और एबीपी की जीत हुई है, क्या लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं घोर अनियमितता हुई है? देखिए, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव में भारी अनियमितता बरती गई है, और उसका पहला उदाहरण है कि जिस क्षण पीके वहां जाके चार चार घंटा VC के साथ रहते हों और आचार संहिता लागू होने के उपरांत भी वहां रहते हों, गए हों, इस चीज के लिए सरकार को सोचना चाहिए था, सरकार नहीं सोची और उल्टी ABVP के जो हमारे छात्र लोग हैं उन्होंने जब विरोध किया इस मामला को तो उनको अरेस्ट कर दिया गया, जिसके चलते भाजपा के कई एक मान्य विधायकों को और कार्यकर्ताओं को धरना देना पड़ा, सब उनको छोड़ा गया और मामला शांत हुआ। कहने का मतलब प्रथम दृष्टया यही लगता है कि हर हथकंडा, उसमें भी आज देखा है एक छात्र बोल रहा था वहां गए थे तो ब्रीफ केस लेके गए थे, क्या था ब्रीफ केस में भाई, समझना चाहिए था अंतिम समय में। तो जब आचार संहिता लागू हुआ और बच्चों को अरेस्ट किया तो प्रशांत कुमार पर पीके पर क्यों नहीं अरेस्ट किया गया, क्यों नहीं आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा हुआ? एक दूसरी चीज, आज तक हम लोग भी 12-14 चुनाव लड़े हैं, इलेक्शन खत्म हुआ, गिनती शुरू होने का समय दिया जाता है और उस समय पर गिनती शुरू होती है, लेकिन यहाँ पर गिनती शुरू होने के समय में लोग गए तो हुआ कि नहीं अभी गिनती नहीं हो रही है, और 2 घंटा के बाद फिर हुआ कि नहीं अमुक आदमी लीड कर गया और वो माला पहन करके वहाँ पर चला गया। ये सब ऐसा बतलाता है कि वहाँ गलत हुआ है। और फिर सबसे बड़ी बात है, आप लोग जो मीडिया के लोग हैं, हमारा चौथा स्तंभ है, आप लोगों से दूरी क्यों बना करके रूल रखा? इसका मतलब है कि बक्सा और बैलेट में कहीं न कहीं कोई हेर फेर हुआ है ताकि आपके कमरा में न आ जाए, इसके लिए भी आप लोगों को दूरी बना के रखा। ये सब सारी ऐसी बातें हैं जिससे हम कह सकते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी का जो चुनाव छात्र संघ हुआ है वो पारदर्शी तरीका से। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले आशा कार्यकर्ताओं ने अपने 12 सूत्री मांगों के साथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही फतुहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तालाबंदी किया और बताया कि सरकार हमें स्थायी नौकरी दे, साथ ही सभी सरकारी सुविधाएं प्रदान करे। हम लोग की प्रमुख मांगे हैं सर, 18,000 रुपए हम लोग को वैधानिक वेतन होना चाहिए, 12 सूत्री मांग जो है जिसमें हम लोग का कपड़ा रहने के लिए यहाँ पर आवास चाहिए और सब ये सब भत्ता चाहिए,
और हम लोग सरकारी सेवक घोषित करने के लिए हम लोग केंद्र सरकार या राज्य सरकार से हम लोग मांगे कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का सरकार है जो पूरी नहीं कर रही है। हम लोग दिन रात एक करके सारे काम करते हैं, स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, सारे गांव में जाकर जा करके टीकाकरण का हालात हम लोग की वजह से सुधरा है, लेकिन हम लोग का सरकार जो है ना वेतन करते हैं और ना ही जो मेरा न्यूनतम जो मान्य होना चाहिए वो भी नहीं मिलता है। तो अभी आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जी हैं। मैं हम लोग अनिश्चितकालीन पूरे राज्य में हड़ताल है सर। अभी आप लोगों ने तालाबंदी कर दी है। तालाबंदी इसलिए कर दी है कि ना तो यहाँ पर कोई एक मरीज को आने देंगे और ना ही एक चेकअप होगा और ना ही यहाँ ऑपरेशन होगा ना डिलीवरी होगा, इसलिए हम लोग यहाँ सबलपुर हॉस्पिटल में हम लोग तालाबंदी कर दी। ये बंदी जो है पूरे प्रखंड में है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पम्मी कुमारी हुआ। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के विरोध में पटना के कारगिल चौक पर आज SUCI कम्युनिस्ट के सदस्य काला दिवस मनाने सड़कों पर उतरे। विरोध कर रहे सदस्यों ने अपनी मांगों को रखते हुए कहा कि हमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जैसी हमारी मूलभूत सुविधाओं को दी जाए, न कि जात पात की राजनीति में उलझाई जाए। SUCI के सदस्य का कहना है कि सरकार अपने किए हुए वादों को निभाए जो कि उन्होंने सत्ता में आने के वक्त किया था, 2 करोड़ रोजगार देने का। आज SUCI कम्युनिस्ट की ओर से पूरे देश भर में ये जो 6 दिसंबर भारत के इतिहास में जो काला दिवस के तौर पर हम लोग मानते हैं, जिस दिन की बाबरी मस्जिद को ढाया गया था, इसके खिलाफ जात पात संप्रदाय के खिलाफ आज हम लोग देश भर में उतरे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि हमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं वो दी जाए, वो पूरी की जाए, न कि हमें जात पात के नाम पर उलझाया जाए। जात पात की राजनीति जो है वो देश में बंद होनी चाहिए। भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा जैसे सवाल को लेकर सरकार को उस पर विचार करना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए जो वो वादा करके सत्ता पे आई। आज 5 साल पूरे होने जा रहे हैं भाजपा सरकार की, लेकिन आज हम देख रहे हैं उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ हम रोजगार देंगे, लेकिन वास्तविकता क्या है? आज रोजगार के लिए छात्र नौजवान भटक रहे हैं, शिक्षा की हालत बदहाल है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ये सवाल जो है इसको नज़रअंदाज करते हुए आम जनता को जात पात के नाम पर फंसाया जा रहा है। क्या मांगे क्या हैं सरकार से आपकी? हम लोग जात पात संप्रदायवाद खत्म हो और महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा जैसे सवाल पूरे हो। नाम बताइए। साधना मिश्रा, SUCI कम्युनिस्ट, पटना जिला सचिव। BJP सहयोग कार्यक्रम में खान एवं भूतत्व मंत्री विनोद नारायण सिंह ने कहा कि विभाग के अंतर्गत बिहार में बालू अब सुलभ तरीके से निम्न दर पर जनता के बीच में उपलब्ध कराया जा रहा है। विनोद नारायण ने कहा कि बालू का संकट अब राज्य में नहीं हो रहा है और बालू की समस्या समाप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद हम ये चाहते हैं कि बालू की रेट कम से कम दामों में जनता को मुहैया कराई जाए। साथ ही विनोद नारायण ने कहा कि प्रत्येक जिला में समीक्षा की बैठक की जा रही है और 38 जिलों में पदाधिकारियों के सामने जाकर घाट चलाए जाने वाले ठेकेदार अधिकारियों से भी बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि 3200 रुपए प्रति CFT बालू की कीमत है और मुझे ऐसा लग रहा है बाढ़ वर्षित के बाद जो सड़क और पुल बाधित था वो सड़क और पुल निर्माण का हो जाएगा, उसके बाद बालू के रेट में और कटौती होगी। ये खान एवं भूतत्व विभाग के अंतर्गत अब बिहार के अंदर में बालू का मामला, तो बालू अब बहुत ही सुलभ तरीका से और निम्न दर पर जनता के बीच में उपलब्ध कराया जा रहा है। बालू का संकट अब कहीं कुछ नहीं रहा, बालू का संकट समाप्त हो चुका है। इसके बावजूद भी हम और इसको दर इसका कम हो इसके व्यवस्था में हम लगे हुए हैं। प्रत्येक जिला में समीक्षात्मक बैठक की जा रही है। हम 38 जिलों में जाकर हम खान एवं भूतत्व विभाग के पदाधिकारियों के साथ में और घाट को चलाने वाला ठेकेदार है उसके बीच में भी उन बातों की हम चर्चा करेंगे कि और बालू का दर कम से कम हो, जनता को कहीं कोई असुविधा नहीं हो, पहले से भी बालू का दर कम हो जाए, इस व्यवस्था में हम लगे हुए। अंदर 3200 रुपया पर 100 CFT बालू की कीमत है आज भी।
आज के दिन। अब मुझे लग रहा है कि बाढ़ वर्षा के बाद जो सड़क और पुल बाधित था, वो सड़क और पुल का निर्माण हो जाएगा, तो इससे भी रेट और डाउन होगा। आगे की खबरों के लिए बने रहे एमयूजेड न्यूज के साथ। धन्यवाद।